नमस्कार, मैं सनी तुसीर और इस वक्त ये लाइव तस्वीरें जो है मैं आपको बवाना की जे कॉलोनी से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर एक जिगरी दोस्त को गुंडों से पिटता हुआ देख एक दोस्त की जो है वो भावना जागती है और अपने दोस्त को बचाने के लिए वो भागता है और उसके बाद वो गुंडों से दुश्मनी मोल ले लेता है और उसका हर्जाना जो है वो उसके दोस्त को भुगतना पड़ता है, जो आप तस्वीरों में लाइव देख रहे हैं कि किस प्रकार से गुंडों ने इसकी चाकुओं से गोद गोद कर इसको अधमरा कर दिया है। ना जाने शरीर पर कितने चाकुओं से वार किए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आखिरकार ये दुश्मनी शुरू कहाँ से हुई, वो सीधा हम पूछते हैं कि कैसे वे गुंडे इसके जिगरी दोस्त को पीट रहे थे और इसको बचाना क्यों जैसे वो भारी कैसे पड़ गया। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम डॉली है। कैसे ये भारी पड़ गया, कैसे गुंडों ने इस पे चाकू से गोदा? इसका दोस्त था एक आसिफ नाम था उनका, तो इनको डेली वो लड़का किस वजह से मारता था वो हमें नहीं पता, वो मेरा लड़के का जिगरी दोस्त है वो। अब उसको बचाने के चक्कर में दो तीन बार ये मार पिटाई किया, उसके बाद वो लड़के ने उसको जान से मारने की धमकी दी, तो मेरे लड़के ने उसको बचाया कि तू क्यों मारेगा उसको, ये भी तो किसी के बेटा है, तेरे को कोई मारेगा तुझे कैसा लगेगा। तो इसको कहता है वो कि तू बीच में मत आ, नहीं तो मैं तुझे भी जान से मार दूंगा। मेरा लड़का मुझे आकर कहता है कि वो ऐसे ऐसे बता रहा था, तारिकुल का बेटा आपका दोस्त पीट रहा था। देखिए, हालांकि इनके गले में जो है वो ज्यादा वार किए गए हैं चाकू से, ये ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पूछेंगे। क्या आपका जिगरी दोस्त जो है उसको गुंडे पीट रहे थे आपके गली के? हाँ भैया। तो उसको बचाने के लिए आप गए थे? हाँ। तो वहीं से आपने गुंडों से दुश्मनी मोल ले ली? हाँ, फिर वो मेरे को बुला रहे थे सब्जी मंडी में कि आजा, मैंने बोला तू इधर आजा मैं यहीं पे मिलूंगा। वो आए, वो प्लानिंग बना के आए पी पा करके, और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को मारा। फिर अचानक से एक आता है लड़का, बियर तोड़ता है, वो बियर डाल लेता है मेरे यहाँ पर पहले, और अब जो किया वो यहाँ पे सबसे पहला वार यहाँ पे किया। देखिए पीछे भी जो है वो वार कर रखा है, देखिए कितने वार जो है वो इस बच्चे के शरीर पर गुंडों ने कर रखे हैं। ये सिर्फ जिगरी दोस्त को बचाने के लिए ये बच्चा गया था और उसके बाद दुश्मनी जो है वो गुंडों से ले ली थी, और कहीं ना कहीं ये दुश्मनी जो है वो इस बच्चे को भारी पड़ गई, और देख सकते शरीर पर कितने चाकों से गोद गोद कर वार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ भैया, धीरे धीरे बताइए आप। उसके बाद अभी जो फिर अभी ये सरफराज फिर मेरे पे वार किया, ये पहले यहाँ पे मारा, फिर यहाँ मारा, फिर यहाँ मारा, ये मारते साथ भाग गए सारे के सारे ये। फिर उसके बाद अब पकड़े गए तो ये पुलिस वाले मेरी मम्मी से यूँ कह रहे हैं कि मैं सेबू को बंद करूंगा, मेरे को कितने पैसे देगी तू, ये बताओ सर मेरी मम्मी इनको किस बात के पैसे देंगे। आपसे पैसे की डिमांड की गई? हाँ जी। बोले कि सेबू को बंद करूंगा, कितना पैसा दे सकती है कबाड़ा। क्या नाम है पुलिस वाले का, क्या नाम है जो आपसे पैसे? सर मैं नाम नहीं जाती हूँ, हो सकता है कि ये चौकी का इंचार्ज होगा, मुझे इसका पैसे मांग रहे हैं वो आपसे। उनको ये लगता है कि हम झूठ मूठ सेबू को फंसा रहे हैं। और ये सेबू कौन है? सेबू कौन है? सेबू वो लड़का है जो मेरे बेटे को बार 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 करवाता है, जो उसके दुश्मनी मोल है, जो उस गुंडे से मेरे लड़के ने अपने दोस्त को बचाया था, उसका नाम सेबू है। उसका बाप दारू का सप्लायर है, वो पुलिस वाले को पैसा देता है, और हम तो सर कुछ नहीं दे सकते, हम गरीब है, हम कबाड़ा चुनते खाते, सर हमारे को किस चीज का पैसा मांग रहे? पुलिस वाला मेरे लड़के को ये कह रहे कि तेरी मम्मी कितना पैसा देगी मैं सेबू को बंद करूंगा, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये पुलिस वाला कौन सा खेल खेल रहा हमारे साथ? जो जिसने वार किया था, जिन गुंडों ने, वो पकड़े गए अभी तक? पकड़े गए सर, लेकिन मेरे बच्चे को कंफ्यूज किया जा रहा है, मुझे भी कंफ्यूज किया जा रहा है, एक सवाल को 36 बार पूछा जा रहा है घुमा फिरा के, ताकि मेरा लड़का कुछ और वर्ड कह दे तो उनको उनमें शामिल। सभी गुंडे पकड़ लिए गए जिसने वार किया? अभी तीन बाहर है, तीन बाहर है, और एक को वो जो एक नाई है उनको पकड़ रखा है। अच्छा, सिर्फ एक ही बंदे को पकड़ा है? अभी तीन को पकड़ रखा है, शामिल था आपकी पिटाई में? एक को बेकसूर को पकड़ रखा है, एक बेकसूर को पकड़ रखा है। आपने बोला है कि इसने मार नहीं किया मेरे ऊपर? हाँ मैंने बोला है। उसके बाद क्या बोले पुलिस वाले? ये बोले वो इन पे लपेट के, मतलब इनकी कटिंग करके छोड़ देंगे। कटिंग मतलब? ये इनसे पैसा लेकर के छोड़ देंगे, पैसा लेके छोड़ देगा जो बेगुनाह पैसा लेने, ये कुछ भी हो कैसे ना कैसे करके घुमा फिरा के पैसे लेने। ये भी तो मारा था तारकुल, ये देखो मेरे, ये देखो इसी लड़के ने, इसी लड़के ने, ये देखो मर्डर, ये देखो सर, ये देखो कैसा, इसी का बेटा तारकुल का, ये जिसने आपको मारा है उसी ने भी इसको मारा है। गुंडा, ये कॉलोनी का गुंडा है, क्योंकि उसका बाप दारू का सप्लायर है, दारू बेचता है, और मतलब गरीबों का कोई वैल्यू नहीं है। उसकी माँ, उसकी बाप इतने चौड़े में धमकी देता है कि बंद करेगा, हम जमानत कर लेंगे, हमारा बेटा नाबालिग है। सर नाबालिग है तो क्या माँ बाप अपने बच्चों को नाबालिग के आड़ में गुंडागर्दी करवाएंगे, किसी का मर्डर करवाएंगे, किसी के बेटे का जान लेंगे? सर
छोटू है सर, छोटू बंटी मेरे दामाद को ऐसे बुरी तरह मरा, अभी लाचार हो गया सर। देखिए ये देखो घर पे विकलांग होके पड़ा हुआ, अभी विकलांग हो गया, नहीं काम करके खिला रही अपने आप को। इसके इलाज का कोई पैसा नहीं, पैसा मांगने जाओ तो ये गुंडा अभी तक पकड़ा नहीं जी। नहीं, पुलिस वाला पकड़ा गया है, बस उसको छोड़ने की पुलिस वाला साजिश बना रहे हैं कि किसी तरह इस लड़के को छोड़ा जाए, क्योंकि उसकी बाप की मंथली आती है यहाँ पे, चाहे 20,000 देता हो या 1,00,000 रुपए देता हो हमें नहीं पता, वो पुलिस वाले को पता होगा कितनी मंथली लेती है, लेकिन हमारे से कोई मंथली नहीं है, इसलिए हमारे को घुमा फिरा के हमारे को कंफ्यूज किया जा रहा है कि हमारे से खुद पैसा मांग रहे पुलिस वाला की तारीख उनके लड़के को बंद करूंगा। आप उसके सेबू को तू कितना पैसा देगी, मेरे लड़के से पूछा जा रहा है कि तेरी माँ से पूछ ले कितना पैसा देगी हमें तारीख उसको आसिफ सेबू को बंद करने के लिए। सर हमारे बच्चे को मर्डर किया उसने, जानलेवा हमला किया, और हम ही पैसा दे उसको बंद करवाने के लिए? ये पुलिस वाला जानबूझ के मतलब केस को झूठा बनाने के लिए सोच रहे। सर बताओ ये इंसाफ करो, आप कुछ करो सर। तो देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें जो है वो हम आपको बवाना जेजे कॉलोनी से दिखा रहे थे, और बवाना जेजे कॉलोनी में एक जिगरी दोस्त जो है वो जिगरी दोस्त को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसके बाद गुंडों से खुलेआम जो है वो दुश्मनी मोल ले लेता है, और दुश्मनी का हर्जाना जो है वो आप देख सकते हैं कि कितने वार जो है वो इस बच्चे पर कर दिए जाते हैं, एक दो और ना जाने पीछे कितने वार जो है वो किए गए हैं। उससे पहले भी जो है इस लड़के पर वार किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक वो गुंडा जो है वो पकड़ा नहीं गया था। देख सकते हैं किस प्रकार जो है वो गुंडों के द्वारा ही बच्चे पर वार किए जाते हैं। देखिए सर मैं भी बच गया। तो लाइव तस्वीरें हम आपको बवाना जैसे कॉलोनी से दिखा रहे थे, बने रहिए सोनू के साथ, मैं सनीत सिंह, दिल्ली समाचार।